हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षाएं स्थगित। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन लगने की आशंकाओं के बीच राज्य सरकार ने 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा स्थगित कर दी है। तय शेड्यूल के मुताबिक 12वीं कक्षा की परीक्षा 23 अप्रैल से और 10वीं की परीक्षा 29 अप्रैल से शुरू होनी थी। फैसले की जानकारी देते हुए राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा, कोविड 19 की स्थिति के मद्देनजर महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षा टाल दी गई है। अब 12वीं की परीक्षा मई के अंत में और 10वीं की परीक्षा जून में आयोजित होगी। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बहुत जल्द नई डेट शीट जारी करेगा। वर्षा गायकवाड़ ने कहा, हम CBSE, ICSE, EB और कैम्ब्रिज बोर्डों से ही परीक्षाएं स्थगित करने का अनुरोध करेंगे। सोमवार को जिस बैठक में ये फैसला लिया गया उसमें शिक्षा मंत्री के अलावा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शिक्षा विभाग के कई अन्य अधिकारी मौजूद थे। गौरतलब है कि राज्य में बेहद तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के कारण छात्र, अभिभावक और शिक्षक पिछले कुछ दिनों से लगातार परीक्षा टालने की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना विस्फोट, लॉकडाउन लगने की आशंका, बिगड़ते हालातों को देख राज्य में लॉकडाउन लगाने की आशंका जताई जा रही है। राज्य में 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन लागू किया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने रविवार को कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन लगाने के संदर्भ में उचित फैसला 14 अप्रैल के बाद लिया जाएगा। रविवार शाम महाराष्ट्र में कोरोना के 63,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण के 63,994 नए केस सामने आए हैं, जबकि 349 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में एक दिन में सामने आए कोरोना केसों का ये रिकॉर्ड है। राज्य में फिलहाल कोरोना के 5,65,587 की एक्टिव केस है। अब तक प्रदेश में कोरोना के 57,987 लोगों की मौत हो चुकी है। जागरूक टीवी की महाराष्ट्र से खास रिपोर्ट।